देख रहे हैं देश जी न्यूज। भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर को रथ को कैमूर जिला अधिकारी सावन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि इस रथ का उद्देश्य है कि जो नई पीढ़ी है वो कर्पूरी ठाकुर की जो संघर्ष है, उज्जीवनी है, उसके बारे में समझे और अपने जीवन में उतारे। ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिससे कि नई पीढ़ी उनके संघर्ष योगदान के जाने और उनके आदर्श को अपनाते हुए अपने जीवन में उतारे। यह रथ कैमूर जिले के सभी पंचायत के गाँव और विद्यालय के पास भ्रमणशील रहेगा। अगले 10 दिनों तक यह संचालित रहेगा। जानकारी देते हुए कैमूर जिला अधिकारी सावन कुमार ने बताया कि भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर का रथ रवाना किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी नई पीढ़ी यह जाने कि कर्पूरी ठाकुर के द्वारा सामाजिक उत्थान और सामाजिक विकास के लिए कितना संघर्ष किया गया था, कितना काम किया गया था। उनके कार्य को पूरा समाज के टूलों में पहुँचाना है, जिससे कि नई पीढ़ी जो आ रही है वो उनके संघर्ष को और उनके योगदान को जान सके, उनके आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन में शामिल करें। यह रथ के लिए एक रूट मैप तैयार किया गया है, जो अगले 10 दिन तक जिले के प्रत्येक पंचायत में स्कूल के साथ सभी जगह पर जाएगी। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं, जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कैमूर के सावन कुमार, उनकी बातों को सुनिए। नायक आदरणीय भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर का ये रथ रवाना किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो सामाजिक है, उसको उनके द्वारा जो काम किया गया था सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक समावेशी विकास के लिए और उत्थान समाज पिछड़े वर्ग उत्थान के लिए, उनके कार्यों को पूरे समाज के हॉस्टल में, टोलों में पहुंचाना है, ताकि जो नई पीढ़ी आ रही है उनके संघर्षों के, उनके योगदानों के, उनके मूल्यों को जान सके, उनके आदर्शों को अपना सके और फिर उस प्रकार के आदर्श को लाइफ को अपने जीवन में अपनावे। सर कहाँ कहाँ दिखलाएगा ये जो है? एक रूट मैप तैयार किया गया है अगले 10 दिन का और कोशिश रहेगा कि हर एक पंचायत में जो स्कूल है वहाँ पर सभी जगह जाइए। तो आपने सुना कि किस तरीके से कैमूर जिले के जो अधिकारी हैं सावन कुमार ने, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस रथ का मेन उद्देश्य है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कर्पूरी ठाकुर की जो संघर्ष है उसको समझे, उसको जाने और जितने वो समाज के लिए उत्थान की बात कर रही तो वही विकास की, जितने भी काम किए हैं सामाजिक उत्थान और सामाजिक विकास के लिए उसको समझे और अपने जीवन में उतारे, उसी मार्ग पर चले। ऐसे ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका कहना है कि सभी इस रथ का जो मैप है वो तैयार किया गया है, सभी पंचायत में इस रथ को भेजा जाएगा और जिससे कि नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो इससे कुछ सीख पाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।